नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने आपको 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी थी और यह बताया था कि भाई एनसीईआरटी द्वारा जो नया पाठ्यक्रम हमें प्राप्त हुआ है उसमें कुल हमारी 15 प्रश्नावली है और उन 15 प्रश्नावली में आज हम जो है कल से आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमने आपको संख्याओं के कुछ प्रतिरूप बताए थे, आपको मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ कि हमने संख्याओं के जो कल प्रतिरूप देखे थे वो कौन कौन से प्रतिरूप देखे थे। संख्याओं के प्रतिरूप, प्यारे बच्चों, किसी भी चीज को पूर्णतया प्राप्त करने के लिए हमें उसकी बेसिक चीजें बहुत याद रखनी जरूरी होती है, क्योंकि यदि हम संख्याओं का बेसिक रूप नहीं जानेंगे तो हम आगे की चीज़ों को पूर्ण तरीके से नहीं सीख पाएंगे। कल हमने संख्याओं के प्रतिरूप में पहला आपको बताया था प्राकृत संख्या, पहला कल आपको बताया था प्राकृत संख्या है, दूसरा आपको बताया था मैंने पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, तीसरा आपको मैंने बताया था थे। एक बार मैं वापस आपको रिमाइंड करवाता हूँ, देखो प्राकृत संख्याएं और इन प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी के एम से व्यक्त करते हैं और ये जो संख्याएं होती हैं वो एक से लेकर के अनंत तक की संख्याएं होती हैं, एक से लेकर अनंत तक, यानी वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं को हम W से व्यक्त करते हैं और ये जो संख्याएं होती हैं वो जीरो से लेकर के और अनंत तक जाती हैं, जीरो से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। सम संख्याएं ये और नंबर संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं जो दो से पूर्ण तक विभाजित होती हैं, दो से पूर्ण तक विभाजित होती हैं, जिन संख्याओं में दो का भाग पूरा कितना ज़्यादा हो तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक सब संख्या है और विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, यानी इनमें दो का भाग पूरा कितना नहीं जाता, ये संख्याएं विषम संख्याएं। और पूर्णांक के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार के पूर्णांक यदि हमारे हों जिसमें दोनों प्रकार की संख्याएं हों, धनात्मक संख्याएं भी हों और ऋणात्मक संख्याएं भी हों और संख्या पूर्ण हो तो वो संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती है। तो प्यारे बच्चों, कल हमने आपसे इन संख्याओं के प्रतिरूप के बारे में चर्चा की थी। अब हम किसी जानकारी को आपको आगे बढ़ाएंगे और आठवीं कक्षा से आप परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं तो परिमेय संख्याएं देखो वे संख्याएं जय हनुमान जान जय कपीस की
अर्थात अंश बटे अर्थ के रूप में हम लिख सकें, जहाँ q का मान जीरो न हो, q होता है हर और हर का मान कभी इसमें जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे 5/7, 7/11, -6/19, -8/51, 0, 2, 3, तो ये सारी की सारी संख्याएं जो है वो एक परिमेय संख्या को व्यक्त करती है। कंडीशन क्या है इसमें कि ये जो नीचे वाले हर के मान है ये कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि यदि किसी संख्या के बटे में जीरो हुआ, जैसे यदि 5/0, तो 5/0 अब नीचे जीरो हो गया, तो जब किसी भी संख्या के बटे में जीरो आती है तो उस संख्या का जो मान है वो अनंत मान आता है, इनफिनिटी मान आता है, अनंत संख्या आती है। किसी भी संख्या में जीरो का भाग देने पर अनंत संख्या प्राप्त होती है, और उस संख्या को हम कभी भी पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अतः ये 5/0 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो हर का मान है वो जीरो है, यहाँ हर बराबर जो जीरो है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्योंकि हमारी परिभाषा कहती है कि जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में तो लिखा जा सके, लेकिन क्यू का मान कभी जीरो के बराबर न हो। तो ऐसी संख्या है जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हो, और जहाँ क्यू का मान कभी जीरो न हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। तो अब हम अगली संख्या देख रहे हैं, देखो अगली हमारी संख्या है अपरिमेय। अगली परिभाषा है हमारी, नैव परिभाषा में है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय का विपरीत शब्द है अपरिमेय। तो वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में न लिखा जा सके, इन्हें अंश बटे हर के रूप में न लिखा जा सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या परिभाषा हुई हमारी? वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू इट मीन्स अंश बटे हर के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8 और एक पाई, पाई भी एक परिमेय संख्या। तो अगर आपके अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या है जो किसी संख्या के वर्ग संख्या नहीं है और उसके अंडर रूट लगा हुआ है, तो वो सारी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या को व्यक्त करेंगी। तो क्यों व्यक्त करेंगी? क्योंकि अंडर रूट 2 बराबर होता है 1.4, 1.4, ये अनंत तक जाता है मान। इसी प्रकार से अंडर रूट 3 बराबर होता है 1.732, अंडर रूट 5 बराबर होता है 2.236। इस तरीके से जो इनके मान है वो अनंत तक जाते हैं, और इन अनंत तक जाने वाले मानों को हम कभी भी पी बटा क्यू के रूप में नहीं
पी बटा क्यू के रूप में कभी भी नहीं सकते, कभी भी नहीं व्यक्त कर सकते। इसलिए ये संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। हमारे बहुत से बच्चे पाई को लेकर के थोड़ा सा भ्रमित रहते हैं, तो देखिए पाई के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी मिल जाए। तो ये अभी आपको मैंने बताई अंडर दो, अंडर तीन, अंडर पाँच, अंडर छः, अंडर सात, अंडर आठ, अंडर और ये पाई। इस प्रकार से ये जो भी संख्याएं हैं हमारी, इनके जब भी हम वर्गमूल निकालेंगे तो बेटा ये वर्गमूल जो है अनंत तक जाएंगे। इनके मान कभी वर्गमूल कभी भी पूर्ण संख्या में हमें प्राप्त नहीं होंगे, और पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं होने के कारण ही हम इनको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए पाई के बारे में थोड़ा सा आपका जो कंफ्यूजन है, पाई बराबर देखो, पाई बराबर में जो 22/7 हम मान लेते हैं, जो संख्यात्मक मान हम लेते हैं, ये संख्यात्मक, ये संख्यात्मक मान केवल गणना करने के लिए, पाई बराबर जो 22/7 संख्यात्मक मान है ये गणना करने के लिए लिया गया है। ये इसका वास्तविक मान नहीं होता, पाई बराबर 22/7 नहीं होता, ये इसका वास्तविक मान नहीं होता, ये केवल गणना संबंधी और गणना संबंधी के केवल वृत्त और वृत्तव्यय से संबंधित क्षेत्रफलों के लिए मान लिया जाता है। वृत्तव्यय से संबंधित क्षेत्रफल के लिए काम में लिया जाता है, इसीलिए पाई को एक परिमेय संख्या नहीं माना गया, क्योंकि पाई बराबर 22/7 वास्तविक मान नहीं है इसका। इसका जो मान है वो अनंत तक जाता है, और अनंत तक जाने के कारण इसको पी बटा क्यू के रूप में दर्शाया जाता है, इसलिए पाई भी एक परिमेय संख्या। तो पाई कैसी संख्या है, पाई एक परिमेय संख्या है, पाई एक परिमेय संख्या। क्यों मैं परिमेय संख्या, देखो यदि आपको कोई एक वृत्त बनाना है, आपको किसी एक वृत्त की रचना करनी है, आप वृत्त की रचना करने के लिए अगर प्रकार में किसी भी माप का कोई भी चाप भरेंगे, तो वो चाप आप एक निश्चित चाप लेकर के जितना आप भर सकते हैं उसी चाप को लेकर के वृत्त की रचना कर सकते हैं। तो अगर हम बहुत बड़ा मान लेंगे, एक अनंत मान की ओर जाएंगे, तो हम एक वृत्त की रचना नहीं कर पाएंगे। तो ये जो वृत्त की रचना होती है वो एक निश्चित त्रिज्या से होती है, जब हमारी त्रिज्या है निश्चित होगी तो हम एक वृत्त का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए पाई एक जो हमारी होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या नहीं होती। अब हमारे जो मुख्य तौर पर हम स्पॉट पर आते हैं, और अगला जो हमारा संख्याओं का रूप है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इन वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं इट मीन्स रियल नंबर्स। तो ये हमारे सिलेबस में है, क्योंकि हमारे प्रश्नावली का नाम ही है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं देखो, परिमेय और परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं से, दोनों प्रकार की संख्याओं से मिलकर बना, मिलकर बना संख्याओं का समुच्चय, मिलकर बना संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है, वास्तविक संख्याओं को व्यक्त करता है, वास्तविक संख्याओं को व्यक्त करता है। तो बेटा देखो, वास्तविक संख्याएं जो हमारे सिलेबस की महत्वपूर्ण परिभाषा है, ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं से मिलकर के बनी हो,
यानी संख्या का कोई एक ऐसा समूह हो, एक ऐसा समुच्चय हो जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं उपस्थित हो, तो वो संख्या का समुच्चय जो है वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है और इन्हें हम व्यक्त करेंगे आर बराबर। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या ले रहे हैं, 1/5 माइनस के 2/3 माइनस के 4/7 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 और ये पाई। तो ये जो संख्याओं का समूह है, ये संख्याओं का जो पूरा समूह है वो वास्तविक संख्याओं को मिलकर के व्यक्त करेगा। तभी भी आप एग्जाम्पल में यदि दो संख्या ऐसी देखें जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या भिन्न हो, जैसे 3+√3, अब 3 और अगर 5 को यदि हम देखें तो 3 तो परिमेय संख्या है और अगर 5 जो है वो अपरिमेय है। तो यदि दोनों संख्याओं से मिलकर के जो समूह बना है संख्या को, ये परिमेय संख्या 3+√5, तो ये भी एक वास्तविक संख्या है और परिमेय और अपरिमेय का जो योग होता है वो हमेशा अपरिमेय के बराबर होता है। तो संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें परिमेय संख्याएं भी हों और अपरिमेय संख्याएं भी हों वो वास्तविक संख्याओं के समूह को व्यक्त करती है। तो ये थी हमारी वास्तविक संख्याएं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में अगला जो हमारा पॉइंट है वो है यूक्लिड विभाजन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन करने से पहले हमें जानकारी करनी चाहिए कि यूक्लिड क्या है, विभाजन युक्लिड। तो युक्लिड जो था एक महान गणितज्ञ हुआ है, यूनानी दार्शनिक था युक्लिड, और इस युक्लिड ने एक विभाजन प्रमेय, विभाजन का मतलब होता है बांटना, विभाजन का मतलब होता है बांटना या भाग देना, और प्रमेय होता है जब किसी भी कथन को हम सिद्ध करके और एक कथन के रूप में जब वो ये बहुत सारे उदाहरण लें, उदाहरणों से हमें एक नियम बनाए और उस नियम को एक कथन के रूप में व्यक्त कर दें तो वो कथन प्रमेय के रूप में होता है। और ये प्रमेय जो होती है वो सार वाणी सत्य होती है, संसार के सभी जगह ये सत्य मानी जाती है। तो युक्लिड नाम का जो दार्शनिक था यूनानी दार्शनिक, उसने एक विभाजन प्रमेय दी है बांटने की, विभाजन प्रमेय, और उसी के नाम के आधार पर इसको युक्लिड विभाजन प्रमेय कहा जाता है। युक्लिड विभाजन प्रमेय हमारी एग्जाम में आती है, एक नंबर की परिभाषा कई बार पूछ लेता है युक्लिड विभाजन प्रमेय लिखी, तो आपको ये परिभाषा याद रखनी होगी। तो जब दो धनात्मक पूर्णांक
ये हमारा एक सूत्र होता है, इसको युग्मित विभाजन करके हिंदी में कहेंगे हम भाज्य बराबर भाजक इनको भागफल प्लस क्षेत्रफल। अब भाज्य तो वो होता है जिसका भाग दिया जाता है, भाजक वो होता है जिसका भाग दिया जाता है, भागफल भी हो गया और क्षेत्रफल आर हो गया। और युग्मित विभाजन करने का संबंध बन गया ए बराबर में बी को फिर से गुणा करा तो बी की ओर प्लस में आर। तो ये युग्मित विभाजन करने का हमारा एक सूत्र बन गया ए बराबर में बी की प्लस आर, जहां आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। आर का जो मान है वो जीरो के बराबर भी हो सकता है या जीरो से बराबर हो सकता है, परंतु आर इज लेस देन बी, परंतु आर का जो मान है वो बी से हमेशा छोटा है। जीरो से बराबर भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, परंतु जो आर का मान है शेषफल का मान वो कभी भी बी से बड़ा नहीं होगा, यानी बी से हमेशा छोटा ही प्राप्त होगा। जैसे आर बराबर मान लीजिए पांच, आर बराबर पांच यानी शेषफल पांच बच गया हमारा, तो बी का जो मान होगा इसलिए बी बराबर के संभावित मान होंगे वो जीरो हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है और चार हो सकता है। तो ये हमारे बी के मान हो सकते हैं, यानी आर का मान पांच, यानी शेषफल का मान पांच हुआ तो बी के मान हमारे जीरो एक दो तीन और चार हो सकते हैं। इस तरीके से तो ये बी हमारा जो हो गया ये तो बी भाजक होता है। यदि हम एक मिनट देखते हैं आर का मान, तो अभी आपने बताया कि भाई जीरो से बराबर भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है और आर का मान बी से हमेशा छोटा ही होगा। और यानी शेषफल का जो मान, अब यदि बी बराबर सॉरी मैं थोड़ा सोचने हुआ, यहाँ बी बराबर में यदि पाँच है तो आर बराबर में हो जाएगा जीरो एक दो तीन चार। तो ये हमारे आर से यानी आर के जो मान होंगे वो हमेशा बी से छोटे प्राप्त होंगे। तो आर बराबर जीरो भी हो सकता है, आर बराबर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है और चार भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों आज आपको जो परिभाषा दिखाई है आप उन परिभाषाओं को ठीक से याद करेंगे, अपने नोटबुक में उतारेंगे और इनका अभ्यास करेंगे। शेष चर्चा हम कल के वीडियो में आपसे करेंगे।